ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए युवक को साइबर सेल ने वापस दिलाए 39,000 रुपये। शिवपुरी जिला साइबर पुलिस टीम ने एक युवक के साथ हुई 70,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तत्परता दिखाते हुए युवक के खाते से कटे 70,000 रुपये में से 39,000 रुपये वापस खाते में लौटाए हैं। इससे युवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वे बार बार पुलिस का आभार जताते नजर आया। दरअसल बंटी पलेरिया निवासी खनियाधाना की जानकारी के बिना उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते से कुल 70,000 रुपये कट गए थे। फरियादी ने संबंधित बैंक जाकर पासबुक को प्रिंट कराया, तब फरियादी को पता चला कि फरियादी के खाते से 50,000 का UPI पेमेंट एवं 20,000 रुपये ATM के माध्यम से निकाले गए। फरियादी से तुरंत पैसे कटने की सूचना शिवपुरी आकर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को दी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल को फरियादी के आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए फरियादी के बैंक खाते की पूरी जानकारी हासिल कर खाते से ट्रांसफर हुए पैसों की जानकारी एकत्रित की गई। फरियादी के खाते से फ्रॉड की 39,000 रुपये की राशि पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर नदिया के स्टेट बैंक खाते में का ट्रांजैक्शन हुआ था। उक्त बैंक से संपर्क कर संबंधित खाते का ब्यौरा लिया गया एवं खाता धारक की जानकारी ली गई, जो निवासी JP लहरी रोड का होना पाया गया। खाते को तुरंत फ्रीज कराया गया। तत्पश्चात खाते धारक से संपर्क कर शिवपुरी साइबर सेल में बुलाकर फरियादी बंटी पलेरिया के खाते में 39,000 रुपये वापस कराए गए। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से फरियादी ने प्रसन्न होकर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी का किया धन्यवाद। मेरा नाम बंटी पलेरिया है। मेरे साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, जिसकी कंप्लेंट मैंने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर 1930 पर दर्ज कराई थी और SBI टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज की थी। और साइबर सेल के माध्यम से आज मेरे को फाइनेंशियल का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई है। उसके लिए मैं साइबर सेल के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, और आप सब लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल अगर कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना तुरंत साइबर सेल में दें और कंप्लेन दर्ज कराएं, और किसी भी अनजान कॉल को अपनी OTP वगैरह शेयर ना करें और ना ही अनजान लिंक पर क्लिक करें।